हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी एडमिशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ है और आप वेट कर रहे हो यहाँ की क्लासेस का, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्लासेस कब से चलेंगी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूंगा, हॉस्टल और रूम से रिलेटेड भी आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रूम मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखना, सारा कुछ मैं शेयर करूंगा और रूम आपको कहां कहां पर खोजना है और यूनिफॉर्म क्या रहने वाली और बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करने वाला हूं। सो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक देखना और जो भी आपका दोस्त है जिसका एडमिशन यहां पर हुआ है उस तक भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो सके। तो ये कॉलेज है जो कि एक पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का एडमिशन हुआ है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का। तो अगर आपका केजीएमयू में एडमिशन हुआ है तो आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हो। तो पैरामेडिकल का कोर्स अगर आपका है तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेज चलती हैं, रेगुलर पोस्टिंग लगती है और टाइमिंग का बहुत सारे लोगों का पूछना रहता है कि यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है। तो देखो, पहले था बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगती थी, उस टाइम पर सभी का जो टाइमिंग था वो अलग अलग था, बट अभी भी कुछ डिप्लोमा का अलग अलग है, ठीक है। बट ज़्यादातर स्टूडेंट सुबह 9 बजे आकर के बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंप्लीट करते हैं और शाम को जब 4 बज जाता है तो उस टाइम पर उन्हें जो है बायोमेट्रिक दोबारा से लगा कर अपने रूम पर जाना होता है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो सबका अलग अलग रहता है, किसी का भी सेम टाइम पर क्लास नहीं चलता है, हर डिप्लोमा का अलग अलग चलता है। तो यहाँ पर क्लासेस जो है, मतलब फर्स्ट पेपर का जो क्लास होता है वो आपको बाहर से फैकल्टी आती है पढ़ाने, मतलब फैकल्टी के मतलब आपको प्रोफेसर आएंगे पढ़ाने, जो भी डॉक्टर हैं वो आपको फर्स्ट पेपर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ वो पढ़ाएंगे। बाकी का आपका जो सेकेंड पेपर होगा, जो आपका डिप्लोमा होगा, जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया, डीमिल्टी हो गया, कार्डियोलॉजी, तो उसके लिए आपको हर डिप्लोमा में 2 टीचर रहेंगे जो आपको आपका डिप्लोमा से रिलेटेड पढ़ाएंगे, वही आपका सब कुछ मैनेज करेंगे। साथ में आपके डिप्लोमा का एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो सारा चीज़ें संभालेगा, आपके अटेंडेंस मैनेज करेगा, सब कुछ उसके ज़िम्मेदारी होगी। तो 2 टीचर रहेंगे हर डिप्लोमा में और क्लास का सभी का अलग रहेगा। अगर आप लोग हमसे पूछोगे कि हमारी क्लास कितने बजे चलेगी तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। अगर आप ओटी का भी पूछोगे कि ओटी की क्लास कितने बजे आपकी चलती है तो वो भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है क्लास का कि क्लास कितने बजे चलेगी, वो टीचर के टाइम पर डिपेंड रहता है। जब भी उनको टाइम मिलता है वो मैसेज डालते हैं ग्रुप में और आपको पहुँच जाना होता है। और आपको रेगुलर पोस्टिंग जाना होता है, पोस्टिंग पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लास कितने बजे से, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आएगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको पता चलेगा कि आपका 2 बजे क्लास है, 1 बजे है, 12 बजे, तो पोस्टिंग से आप सभी को क्लास करने जाना होता है। ज़्यादातर आपकी जो क्लास है वो 1 बजे या 2 बजे होगी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट 1-2 बजे क्लास करने जाते हैं, उसके बाद फिर पोस्टिंग पर दोबारा वैसे कोई जनरली जाता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास का। तो क्लास का यहाँ पर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, बट जो आपका क्लास चलेगा, आपका फर्स्ट पेपर का जो प्रोफेसर लेंगे वो 2 घंटे का, आप ये समझ लो, एक एक दिन छोड़ के रहेगा, क्योंकि मतलब क्लास तो हर दिन चलेगा बट इतना बड़ा बैच रहेगा तो पूरे बैच की जो क्लास है वो अलग अलग कर दी जाती है 2 ग्रुप में, ए ग्रुप और बी ग्रुप में कर दी जाती है, क्योंकि टोटल 600 बच्चों से ज़्यादा हैं तो सभी का एक ही क्लास में पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो हो सकता है 2 ग्रुप में आपकी क्लासें चले जिसमें आपको प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको रूम का भी बता देता हूँ और क्लासेस कब से चलेंगी वो भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर केजीएमयू कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो आप लोगों को रूम तो खोजना ही पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए आखिर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर रूम आपको मिल जाएगा और मतलब कि केजीएमयू कॉलेज के पास में भी वो जगह होनी चाहिए। तो देखो, पहला जो है वो है खदरा, ठीक है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आप लोग जो वीडियो मेरा देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने टेलीग्राम ज्वाइन करने का
लिंक दे रखा है उसे ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं, जब भी क्लास का नोटिस आएगा तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ रूम कहाँ कहाँ मिलेगा। तो पहला खदरा, देखो खदरा ऐसी जगह है जहाँ पर पैरा मेडिकल स्टूडेंट की बात करें KGMU के, तो ज़्यादातर खदरा में ही रहते हैं। और KGMU कॉलेज के जो हॉस्टल हैं वो भी खदरा में ही बने हुए हैं, चाहे वो BSc नर्सिंग के हों, चाहे वो MBBS के हों, चाहे वो BDS के हों, तो ज़्यादातर हॉस्टल वो खदरा में ही बने हैं। तो आपको जो रूम है वो पैरामेडिकल में अगर आपको लेना है तो खदरा आप लोग खोज सकते हैं, पास में भी है। और वहाँ पर KGMU कॉलेज की बात करें तो कम से कम 60% प्लस बच्चे खदरा में ही रहते हैं। उसके बाद जवाहर नगर काफ़ी ज़्यादा पास पड़ जाता है KGMU कॉलेज के, तो यहाँ पर वैसे मैं भी रहता हूँ जवाहर नगर में। और चौक चौराहा, तो चौक चौराहा की तरफ भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, सामरा हॉस्पिटल साइड है, ठीक है, उधर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जो कि नर्सिंग कॉलेज है KGMU का, उस साइड ये हॉस्पिटल पड़ता है, तो उस साइड भी जाकर के आप लोग रूम खोज सकते हैं, काफ़ी पास में पड़ जाता है KGMU कॉलेज के। लाजपत नगर भी आप लोग जा सकते हैं, थोड़ा दूर पड़ेगा बट वहाँ पर भी आप लोग खोज सकते हैं। फिर डालीगंज में भी काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ पर भी खोज सकते हैं। और सिटी स्टेशन है यहाँ पर, पास में है थोड़ा सा, वहाँ पर भी जाकर आप लोग खोज सकते हैं। और जनता नगरी, ये भी काफ़ी पास में है KGMU कॉलेज के, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और बालागंज और ठाकुरगंज, ये इतनी जगह हैं जो मैंने बताया है, इतनी जगहों पर आप लोग रूम खोजेंगे तो KGMU कॉलेज के आपको पास में मिल जाएगा। बट आपको बता दूँ, देखो ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, KGMU कॉलेज जो है कि यूनिवर्सिटी और काफ़ी बड़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पास में रूम मिल जाएगा तभी आपको कलाम सेंटर पहुँचने में कम से कम 10 से 15 मिनट पैदल लग जाएगा, इतना तो आपको लग ही जाएगा। कितना भी आप पास में रूम ले लेंगे इससे कम नहीं लगने वाला है आपको, डेली अगर पास में मिल जाता है तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलकर तो जाना ही होगा कलाम सेंटर तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप रूम लोगे तभी आपको पैदल चल के जाना होगा। सो फिलहाल मैंने बता ही दिया कि ये जगह हैं, आप लोगों को इन जगह पर जाकर रूम खोजना होगा। अब आप लोग ये भी पूछोगे कि इन जगहों पर कितने का मतलब कि मिल जाएगा रूम, तो देखो हर रूम अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो सबका जो है वो लोग अपना अलग अलग डिसाइड करते हैं। बट मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, काफ़ी क्राउड है KGMU में, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है जो कि आसपास रहता है, सब ज़्यादातर किराए पर रहते हैं, तो इस वजह से जो है रूम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है स्टूडेंट को। तो आप ये समझ लो अगर आप लोग खोजोगे तो 3000 प्लस ही आपको मतलब देना होगा, मतलब इससे ऊपर आपको समझ लो रहने के लिए मिलेगा। बट ये रहेगा कि हाँ आप अकेले रहोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बट आप लोग एक रूम में 2 लोग 3 लोग ऐसे रह सकते हो। बट अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल रहिए, और भी अच्छी बात रहेगी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं तो सिंगल रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, अगर डबल रहते हैं तो ठीक है आप लोग मैनेज कर लेना। वैसे ज़्यादातर लोग डबल रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अकेले रूम का रेंट देना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखो 3 से 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 मतलब इतनी रेंज के भी रूम आपको यहाँ पर मिलते हैं। बट ये रहता है मान लिया कोई रूम आपका 6000 का है, बड़ा है, तो उसमें 3 लोग रह सकते हो, तो 2000 आपका अकेले का लगेगा। तो इस तरीके से आप सभी को पड़ता है। और एक चीज़ देखो, मैंने स्टार्टिंग में टेलीग्राम पे बताया था कि आप लोग अगर रूम पार्टनर बनाना तो कोशिश करना कि सेम डिप्लोमा का मत बनाना, क्योंकि देखो यहाँ पर रूम आप कोई भी मतलब रूम पार्टनर बनाते हो साथ में वो रहेगा, अगर सेम डिप्लोमा का है कभी उससे झगड़ा हो गया तो आपको रूम छोड़ना ही पड़ेगा। बट आपका झगड़ा हो जाएगा तो आपको हमेशा उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा, क्लास में भी रहना पड़ेगा, कैंपस में भी। तो झगड़ा होने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं रहती हैं, अगर आप दूसरा रूममेट बनाओगे दूसरे डिप्लोमा का, झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तो उससे तो कभी मिलना रहेगा नहीं, तो ज़्यादा अच्छी बातें रहती हैं। और ऐसा तो नॉर्मल है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर गर्ल्स में ऐसा होता है ना कि उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा इश्यू होता है खाना बनाने को लेकर के, बर्तन धुलने को लेकर के, बाकी बॉयज़ तो सब कुछ कॉन्वेंस कर लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि किसी को पढ़ना रहता है तो किसी को कॉल पर बात करना रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हो सकता है आपको कम्फर्टेबल ना लगे। तो मान लिया आप सेम डिप्लोमा का आप रूममेट बनाते हो तो फिर छोड़ने में दिक्कत होती है, फिर बाद में अगर दूसरे डिप्लोमा का रहता है तो कॉम्बिनेशन भी बना रहता है, ठीक है। अगर सेम डिप्लोमा का है तो आपको सेम टाइम पर उसके साथ कॉलेज जाना पड़ेगा, सेम टाइम पे आना पड़ेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर दूसरे डिप्लोमा का है तो आप कभी भी कॉलेज जा सकते हो, कभी भी कॉलेज से आ सकते हो, आप आज़ाद रहोगे एक तरीके से। तो मतलब बेनिफिट है, मैं जो कह रहा हूँ अगर दूसरे डिप्लोमा का रहेगा तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ आप लोग बाद में आपको रियलाइज होगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँगा तो हो सकता है समझ ना आए, बट ट्राई करना, सेम डिप्लोमा का है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बनाना है,
पना बनाइए, बिल्कुल बनाइए। जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरा रूममेट दूसरे डिप्लोमा का है, और भी अगल बगल के लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर लोग रहते हैं सब अलग अलग डिप्लोमा के हैं, तो उन लोगों का अच्छे से 2 साल निकल चुका है, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं हुआ है। बट काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो सेम डिप्लोमा के हैं, तो उन्हें रूम कभी ना कभी छोड़ना बीच में पड़ा भी है, तो अच्छा रहेगा। अब देखो ड्रेस की बात कर लेते हैं। ड्रेस आप सभी को पहले ही क्लियर कर दिया गया कि कौन कौन सी ड्रेस चाहिए यहाँ पर बॉयज़ में और गर्ल्स में, ठीक है। तो इस लोगों की बात करें कि ये लोगों कहाँ मिलेगा, वो भी मैं अभी बता दूंगा इसी वीडियो में। जिस शॉप के बारे में बताऊंगा वहाँ जा करके ले लेना, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लोगो है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ही अपरन का अपरन है ये, तो देखो मेरे अपरन पे कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। इस तरीके से आप लोग लगाएंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉकेट है, अगर पॉकेट नहीं अपरन में कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर आप सभी लगवा लेना, किसी भी टेलर से इसी तरीके का लगवाना, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ थोड़ा सा और, तो ये है, ठीक है, ये लोगो है। यहाँ पर लिखा हुआ KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, ये इस तरीके का आपका लोगो होना चाहिए लगा हुआ। तब ये कहाँ मिलेगा, तो चलिए मैं अभी लास्ट में आपको उस शॉप का नाम बताऊंगा और कहाँ पर है वो भी मैं आपको एड्रेस क्लियर कर दूंगा और रास्ता भी आपको दिखा दूंगा कि आखिर कहाँ पर आपको जाना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। और ये जो अपरन है, ठीक है, उसी आप शॉप से ले लेना, तो अपरन जो है आपको 300 रुपये में या फिर 350 में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप खुद कपड़ा लोगे सिलाओगे तो 500-600 सिर्फ सिलाने का लग जाएगा, और ऐसी बात नहीं, ये लोग जो अपरन देते हैं काफ़ी अच्छा होता है और कंफर्टेबल भी रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये अपरन ले सकते हो इनकी शॉप से, बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ कि हाँ आप लोग जा करके ले सकते हो। सो देखो मैंने बता दिया है, ठीक है, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, कि स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो स्कॉलरशिप आप लोगों को तब भरना है जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए। मैंने स्कॉलरशिप पे वीडियो बना दिया है कि इसकी लास्ट डेट कब है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो आपको रेगुलर क्लास करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। देखो अगर लगातार 10 दिन क्लास चलेगी तो आपको 10 दिन क्लास करना है, आपका क्लास का अटेंडेंस का परसेंटेज काउंट होगा। मान लिया 10 दिन क्लास चलती है, आप 10 दिन क्लास जाओगे तो आपका 100% अटेंडेंस हो जाएगा। अगर 10 दिन क्लास चली और आप 5 दिन गए तो आपका ओनली 50% अटेंडेंस होगा, जो कि स्कॉलरशिप में अगर आप 50% अटेंडेंस दोगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। स्कॉलरशिप पाने के लिए 75% अटेंडेंस होना जरूरी है, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आती। तो आपको क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी साइबर कैफे से स्कॉलरशिप भरा देना। देखो यहाँ पर स्कॉलरशिप OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 23,000 तक आती है, ठीक है। जनरल की भी इतनी ही आती है, बाकी का SC की बात कर लें तो 34,000 से लेके 37,500 के बीच में आएगी, ठीक है। पिछले साल वैसे शायद 34,000 आई थी, बट उससे पहले स्कॉलरशिप SC ST कैटेगरी में 37,500 आई थी। तो फर्स्ट ईयर की जो आप सभी को पता है फीस जो है वो 38,000 है, ठीक है। 38,000 मतलब जो आपका 43,000 लगा है उसमें से 5,000 जब आप लोग सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे पास हो जाएंगे तो 5,000 आपका वापस हो जाएगा। टोटल 38,000 फर्स्ट ईयर की है। अब सेकेंड ईयर की मैं बात कर लूँ तो 33,500 आपको सेकेंड ईयर में जमा करना होगा KGMU कॉलेज में, ठीक है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप का, रूम रेंट का, और यहाँ पर पैरामेडिकल को हॉस्टल नहीं मिलता है। अब आप लोग PG का भी पूछोगे कि PG यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखो PG यहाँ पर शायद आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो अभी आप लोगों का जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का जब क्लास स्टार्ट होगा तो एक बैच है जो 21 बैच है जाने वाला है, जिसमें अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ, मतलब 21 बैच है, ठीक है। ये इसका एग्ज़ाम होने वाला है 21 बैच का, मतलब इन लोगों का फाइनल है, मतलब मेरा भी फाइनल एग्ज़ाम है, तो हम लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तो आसपास बहुत सारे रूम हैं जो खाली हो जाएंगे, अगर आपको दूर रूम मिल रहा है तो ले लीजिए, बाद में जब खाली हो जाएगा। अब खाली कब तक होंगे देखो मैं क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम जो है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक है। 17 अक्टूबर तक चलेगा पैरामेडिकल का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का 15-16 है और सेकेंड ईयर का 17-18, ठीक है। 17-18 मतलब 18 तक एग्ज़ाम चलने वाला है, उसके बाद प्रैक्टिकल जो कि नवंबर में होगा 10 नवंबर तक सभी का प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये समझ लो कि सभी लोग मतलब कि टोटल 600 प्लस बच्चे जो कि आसपास रह रहे हैं, जो मैंने जगह बताई इन जगहों पे लगभग बच्चे रह रहे हैं, तो जब एग्ज़ाम हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा तो सभी लोग अपना अपना रूम खाली कर देंगे, तो आप लोग उस टाइम पर रूम अपना जो है पास में ले सकते हो। अगर दूर मिला है तो कोई बात नहीं, नवंबर में खाली हो जाएगा तो नवंबर में आप लोग रूम खोज लेना, बट अभी क्लास स्टार्ट होगी तो आप कहीं भी ले लेना, एडजस्ट कर लेना, बाद में रूम खाली हो जाएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्लास का जो मेन टॉपिक है कि आखिर क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो देखो आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एडमिशन है वो 7
अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। तो 7 अक्टूबर तक तो कुछ होना है नहीं, इसके बाद ही आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब आपका क्लास ये मान लो अगर इन लोगों को स्टार्ट करना होगा तो 12-13 अक्टूबर तक स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप ये समझ लो 20 अक्टूबर तक, ठीक है। क्योंकि बीच में एग्ज़ाम है, 15 से 18 तक एग्ज़ाम चलने वाला, इस बीच में पूरी फैकल्टी एग्ज़ाम में बिजी रहेगी तो उसके पास किसी प्रकार का टाइम नहीं रहेगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस वजह से शायद आप लोगों का अभी क्लास स्टार्ट ना हो, ठीक है। अगर स्टार्ट करना होगा तो ये लोग 12 या फिर 13 अक्टूबर तक स्टार्ट कर देंगे। अगर होती है स्टार्ट तो मैं नोटिस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि हाँ आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बट चांसेस यही हैं कि 20 तक स्टार्ट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम है तो पूरी फैकल्टी एग्ज़ाम में बिजी रहेगी, तो आप लोगों को शायद बुलाना जल्दी अच्छा नहीं होगा। और बुलाया जाएगा तो पूरे प्लान के साथ बुलाया जाएगा, आप सबकी इंडक्शन सेरेमनी होगी, ठीक है। पूरे बैच को बुलाया जाएगा एक दिन, उस इंडक्शन सेरेमनी में पूरी फैकल्टी आएगी, आपके नोडल ऑफिसर आएंगे, डीन आपके रहेंगे, आपके असिस्टेंट डीन रहेंगे, साथ में आपके ट्यूटर रहेंगे जो आपको पढ़ाएंगे, और वीसी मैम, जो कि वीसी मैम भी आ सकती हैं। पूरा आपको अच्छे से उस दिन बताया जाएगा, ठीक है। आपका वेलकम होगा जो कि पूरी फैकल्टी करेगी, साथ में उस दिन आपको लंच बॉक्स वगैरह भी दिया जाता है, और आपको कैंपस भी घुमाया जाएगा, आपको क्लास भी दिखाई जाएगी कि आपकी क्लासेस कहाँ चलती हैं। तो क्लासेस देखो कलाम सेंटर में चलती हैं, ठीक है। कलाम सेंटर में फर्स्ट पेपर की क्लास चलती है कॉमन, ठीक है, जिसमें सभी डिप्लोमा का एक साथ पढ़ता है, जितने भी टोटल डिप्लोमा हैं 14 यहाँ पर, सभी डिप्लोमा एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि सभी का सेम मतलब कि सिलेबस रहता है फर्स्ट पेपर का। बाकी सेकेंड पेपर डिप्लोमा वाइज होता है, वो आप सभी का जो है टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर का जो डिपार्टमेंट होगा अलग अलग होता है, जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, कार्डियो हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, ओटी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो सबकी क्लासें अलग अलग चलती हैं। तो जिस दिन इंडक्शन सेरेमनी होगी उसी दिन आप सभी को बुला करके आपको क्लास दिखाया जाएगा कि आपकी क्लासेस कहाँ चलती हैं। तो ज़्यादातर लोगों को वेट है क्लास का, तो मैंने बता ही दिया है, अगर 12-13 अक्टूबर तक हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर आप लोग ये मान लो 20 अक्टूबर तक होगी, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम है, तो चांसेज बिल्कुल नहीं कि आपकी क्लासेज स्टार्ट हों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर कॉलेज में रेगुलर आप सभी की क्लासेज चलती हैं, आपका जो भी डिप्लोमा होगा, ठीक है, रेगुलर क्लासेज चलेंगी, आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, और रेगुलर आपकी पोस्टिंग भी लगेगी, जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको क्लास करने आना होगा, नहीं तो आपको पोस्टिंग पर जाना होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ कि आप लोगों को अपरन कहाँ से लेना है और लोगों कहाँ से लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर आपको हम लेकर के चलते हैं उस शॉप पर जहाँ से आप लोग अपरन और लोगो ले सकते हो। देखो अपरन और लोगो कॉलेज के पास में ही मिल जाता है, तो आप लोगों को पास में ही ले लेना है, तो कुछ नहीं करना है, कॉलेज का जो गेट नंबर 1 है इसी से आप सभी को बाहर जाना है। अभी मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ उसी शॉप पर जहाँ पर आप सभी को अपरन और लोगो मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, गेट नंबर 1 पर आ जाना है या फिर 2 पर आ जाना है, और आप सभी को राइट साइड मुड़ जाना है, इस चौराहे से मुड़ जाना है। वैसे आप लोगों को पैदल जाना है तो इधर से ही मुड़ जाना है, अगर आप लोग बाइक से हैं कुछ भी हैं तो इस साइड से आपको चौराहे से पूरा गोल गोल मुड़ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग मुड़ेंगे तो आपको कुछ ऊपर ओवर ब्रिज की तरह दिखेगा, सामने आपको पेड़ दिखेंगे, आपको यही रास्ता पकड़ के सीधे चले जाना है, ठीक है। जब आप लोग सीधे जाएंगे तो डेंटल की ओपीडी दिखेगी, मतलब डेंटल हॉस्पिटल दिखेगा केजीएमयू का ही, ठीक है। ये ओवर ब्रिज है, इसी के नीचे से आप सभी को सीधे जाना है, और जब जाएंगे तो आप सभी को एक चौराहा मिलेगा, चरक चौराहा, उस चौराहे को भी मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये आपको सामने जो दिख रहा है ये अपने ही कॉलेज की ओपीडी है, सभी डिपार्टमेंट की ओपीडी चलती है राइट साइड में, और ये है डेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पर डेंटल की ओपीडी चलती है, ठीक है। तो ये डेंटल हॉस्पिटल है केजीएमयू कॉलेज का, तो और इस साइड में ये जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ये है ओपीडी, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट की ओपीडी चलती, चाहे वो मेडिसिन की हो, सर्जरी की हो, यूरोलॉजी को, मतलब ज़्यादातर डिपार्टमेंट की ओपीडी यहाँ पर चलती। आपको सामने ये ओवर ब्रिज और दिख रहा होगा, और यहीं पर आपको चरक चौराहा दिखेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप जा रहे हैं, सीधे ही जाना, राइट और लेफ्ट नहीं मुड़ना है, मतलब आपको ये रास्ता जिधर लेकर के जाएगा सीधे ओवर ब्रिज नीचे से ही पार करना है, आपको सीधे जाना है, राइट और लेफ्ट मुड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आप सभी को सीधे जाना, जैसा कि अभी मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं उस शॉप तक। ओनली ये वीडियो
उस शॉप तक रहेगा, क्योंकि हम शॉप तक ही आपको ले जाएंगे। ठीक है, आपको सीधे जाना है, ये चरक चौराहा है, गोल गोल थोड़ा सा आपको यहाँ से मुड़ना पड़ेगा, बट आपको जाना सीधे ही होगा। मैंने क्लियर कर दिया कि राइट और लेफ्ट नहीं मुड़ना है, आपको सीधे जाना है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, शॉप का नाम पूछेंगे तो हो सकता है कोई ना बताए, तो आपको खुद चल कर के जाना है। ठीक है, शॉप का नाम बता दूँ, रीना गारमेंट। और मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर जाएंगे तो आसपास और भी कई सारी शॉप हैं जहाँ पर मिल जाता है, बट मुझे रीना गारमेंट्स का ही नाम याद है, तो मैं उसी का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आसपास और दुकानों पर भी जाते हैं तो वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना है, आपको एक लस्सी की शॉप मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर श्री कचौड़ी ये लिखा हुआ है, इसके आगे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री लस्सी एंड सन्स, ये आप लोग देख लीजिए। इसी के सामने रीना गारमेंट्स की शॉप है, ये आप लोग देख सकते हो, ये रीना गारमेंट की शॉप है, अभी क्लोज है। ठीक है, यहाँ से आप सभी को लोगो और अपरन दोनों मिल जाएगा, वो भी सस्ते दाम में, तो आप सभी को यहीं से ले लेना है।